हेलो दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ उसको कहते हैं चिल ब्लेन, जिसे हम फ्रॉस्ट बाइट भी कहते हैं, जो कि विंटर्स में बहुत कॉमन है। पेशेंट बहुत ज्यादा परेशान होता है विंटर में, क्योंकि उसकी जो हाथ की उंगलियां हैं और जो पैरों की उंगलियां हैं उसमें उसको बहुत ज्यादा सूजन, बहुत ज्यादा खुजली और पेन महसूस होता है। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाली हूँ दोस्तों, इसके सिम्टम्स क्या है, इसके कॉजेस क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों चिलब्लेन होता क्या है? जब हम ठंड के कांटेक्ट में आते हैं, जब हम बहुत ज्यादा हमारी उंगलियां या पैरों की उंगलियां ठंड के कांटेक्ट में आती हैं, चाहे वो ठंडा पानी हो या ठंडी हवा हो या जैसे आजकल वेदर ही ठंडा है, तो उस वक्त क्या होता है, जो हमारी उंगलियां होती हैं और जो पैर की उंगलियां होती हैं, छोटी छोटी वहां पर कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरीज कहते हैं बहुत पतली ब्लड वेसल्स, बहुत पतली, वहां पर कंस्ट्रिक्शन होने लगता है। कंस्ट्रिक्शन मतलब सिकुड़ने लगते हैं ठंड की वजह से और वहां पर ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से पेशेंट डिफरेंट तरीके के सिम्टम्स शो करता है। इसको हम कहते हैं दोस्तों चिल ब्लेन। अब इसमें है क्या, इसके कॉजेस क्या है? कॉजेस बेसिकली ठंड है। जब हमारे हाथ ठंडे पानी में जाए या हमारे पैर ठंडे पानी में जाए या ठंडी हवा में हो, तो उसमें कंस्ट्रिक्शन होना बहुत कॉमन है, पर ये हर किसी में नहीं दिखता है। ये जनरली फीमेल्स में ज्यादा दिखता है एज कम्पेयर टू मेल्स, ये फीमेल्स में प्रॉब्लम ज्यादा शो होगी। अब इसके सिम्टम्स क्या है दोस्तों? आपको अपनी फिंगर में पेन महसूस होगा, स्वेलिंग महसूस होगी, आपकी उंगलियां बहुत ज्यादा मोटी हो जाएंगी, कई बार वो इतना ज्यादा रेड हो जाएंगी कि वो हमें ब्लू भी दिखेंगी, उसमें बहुत ज्यादा ईचिंग महसूस हो सकती है और उसके स्वेलिंग होने की वजह से आपकी स्किन में हल्के क्रैक्स भी आ सकते हैं, जिसमें से आपको दिखेगा पानी सा रिलीज हो रहा है और वो कई बार इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसमें अल्सरेशन होने लग जाता है, उसमें पस आने लग जाता है। ये इसके कुछ सिम्टम्स है जो आपको देखने को मिलेंगे, ये हाथ की उंगलियां और पैरों की उंगलियों में ही दिखते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है दोस्तों? ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। जैसा कि आपको पता है ठंड की वजह से हो रहा है, आपकी कैपिलरीज कंस्ट्रिक्ट हो रही हैं, तो उसको वार्म कर दीजिए, या तो गुनगुने पानी में अपने हाथ डाल दीजिए, पैर डाल दीजिए, उससे आप बेटर फील करेंगे। सॉक्स पहन के रखिए, हाथों में ग्लव्स पहन के रखिए, गर्म शूज पहन के रखिए, पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, वो टाइट नहीं होने चाहिए। टाइट होने से अगर आपके शूज और सॉक्स टाइट हैं, तो फिर से वो कंस्ट्रिक्शन क्रिएट करेंगे आपकी वेसल्स में, धमनियों में, जिससे कि प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है, तो वो बहुत ही कंफर्टेबल होने चाहिए। अब दोस्तों मैं इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पर बात करूंगी, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, सिम्टम के बेसिस पर मेडिसिन को लीजिएगा, विद इन 7 डेज आपकी फिंगर्स और आपके टोस ठीक हो जाएंगे। पहली मेडिसिन है एगेरिकस मस। इसके सिम्टम्स ये हैं दोस्तों, जब आपकी उंगलियों में रेडनेस हो और आपको उसमें पेन हो, ऐसा कि आपको निडल चुभ रही है, जैसे कि सुइयां चुभ रही है, उस केस में हम एगेरिकस मस देते हैं। इसमें ईचिंग भी होती है और आपकी उंगलियां बिल्कुल लाल स्वेल दिखती हैं, बिल्कुल भी उसमें ब्लूइश नहीं दिखेगा, लाल स्वेलिंग दिखेगी, सूजन दिखेगी। एगेरिकस मस को 30 में आप सुबह शाम ले सकते हैं, 7 दिन तक लीजिएगा, ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों हेपर सल्फ। हेपर सल्फ हम तब देते हैं दोस्तों, जब आपके हाथ में स्वेलिंग हो गई है, टोज में स्वेलिंग हो गई है और वो स्वेलिंग इतनी ज्यादा हो गई कि उसमें क्रैक आ गए, और क्रैक आने से कई बार क्या होता है, उसमें सुपर एडिड इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें पस आने लगता है। अगर किसी के साथ ऐसी कंडीशन है, और जब पस आएगा तो पेन बहुत ज्यादा होगा, अगर किसी के साथ ऐसी कंडीशन है दोस्तों, तो वो हेपर सल्फ 30 को सुबह शाम ले, 7 दिन तक ले, आप बेटर फील करेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में टिपिकल चिलब्लेन के सिम्टम्स आपको दिखेंगे, रेड स्वेलिंग दिखेगी, ईचिंग होगा, पेन होगा, वो आपको ब्लूइश कलर में भी दिख सकती है, आपके हाथ और पैर आपको ब्लूइश कलर में भी दिख सकते हैं, बहुत ज्यादा पेन होगा जब वो ग्लव्स में होंगे, गर्म होंगे, लेकिन जैसे आप अपने हाथों को ग्लव्स से बाहर निकालेंगे, वो जैसे ठंड के कॉन्टेक्ट में आएंगे, वो फिर से स्वेलअप हो जाएंगे। अगर किसी के साथ ऐसी कंडीशन है, वो पेट्रोलियम 30 सुबह शाम ले, 7 दिन तक ले। सोरेनम 30। सोरेनम दोस्तों हम तब देते हैं जब हमको चिलब्लेन सेम मंथ में दिख रहा है, जैसे कि अभी दिसंबर चल रहा है, जरूरी नहीं है किसी को दिसंबर में प्रॉब्लम हो जाए, किसी को जनवरी में हो सकती है, किसी को फरवरी में हो सकती है, लेकिन अगर कोई पेशेंट ऐसी कंप्लेंट करता है कि उसको हर दिसंबर में यह प्रॉब्लम होता है या हर जनवरी में यह प्रॉब्लम होता है, अगर उसका सेम मंथ में सेम सिम्टम्स आ रहे हैं एवरी ईयर, उसमें हम सोरेनम 30 देते हैं दोस्तों, वो सुबह शाम उसको ले सकता है, वो बेटर फील करेगा।
या फिर वो सोरेनम 200 की सिंगल डोज लेकर छोड़ दे, एक डोज का असर उसको बिल्कुल ठीक कर देगा, उसको उससे ज्यादा लेने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों पल्सिटिला। अगर आपको अपनी फिंगर में या टोज में स्वेलिंग के साथ थ्रॉबिंग पेन हो रहा है, जैसे कि आपकी पल्स चल रही है यहाँ पर, इस तरीके का पेन होता है जिसे हम कहते हैं लुप लुप टाइप का पेन, तो उसमें हम पल्सिटिला 30 देते हैं, सुबह शाम ले, आप बेटर फील करेंगे। मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगी, जिन पेशेंट को चिलब्लेन के साथ हाथ में ऊपर क्रैक्स आ गए हैं, उसमें सीरस डिस्चार्ज हो रहा है, कुछ पानी से डिस्चार्ज हो रहा है, उसके लिए वो कैलेंड्यूला का टिंचर एक्सटर्नल, मैं फिर से बोलती हूँ दोस्तों, कैलेंड्यूला टिंचर एक्सटर्नल अप्लाई कर सकता है। उसका अप्लाई करने का तरीका यह है कि वो 15 ml पानी में 10 बूंद उस टिंचर की डाले, कॉटन से उसको अच्छे से वॉश करें, इसे दिन में 3 बार करें। डायरेक्ट अप्लाई ना करें दवाई को दोस्तों, उससे प्रॉब्लम हो सकता है। 15 ml पानी में साफ पानी लीजिएगा, गुनगुना पानी लीजिएगा, उसमें 10 बूंद इस मेडिसिन की डालिएगा और उससे अपने हाथों को वॉश करिएगा, आपके जितने भी क्रैक्स हैं वो हील हो जाएंगे। ये मेडिसिन लेकर दोस्तों आप देख सकते हैं, आप जरूर लीजिएगा, आपको आराम 7 दिन के अंदर जरूर महसूस होगा। आशा करते हूँ मेरी वीडियो से संतुष्ट होंगे, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें, धन्यवाद।